मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूक्रेन से लौटे गोरखपुर के 16 मेडिकल के छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों से मुलाकात की और उनके सकुशल वापसी पर स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। विद्यार्थियों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि युद्धग्रस्त यूक्रेन से बच्चों की वापसी मोदी सरकार की संवेदनशीलता को व्यक्त करता है। यूक्रेन से नागरिकों और छात्रों को सुरक्षित लाने की यह सुविधा केवल भारत को ही मिली है। शेष देशों, खासकर अफ्रीकी देशों की सरकार ने न कोई संज्ञान लिया है और वहां फंसे अपने नागरिकों को भगवान के भरोसे ही छोड़ दिया है। बता दें कि यूक्रेन में उत्तर प्रदेश के 2290 बच्चे रहते हैं। इनमें से 2078 बच्चों को वापस लाया जा चुका है। अकेले गोरखपुर से 74 बच्चे यूक्रेन में रह रहे थे, जिनमें से 70 बच्चों को सकुशल उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। 4 शेष बच्चों को भी लाने की व्यवस्था की जा रही है। अकेले गोरखपुर से 74 बच्चे हैं, जिनमें 70 आ चुके हैं। 4 लोग जिनमें से जिन लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है, जो जिसमें 4 लोग हैं, जो शेष 4 हैं उनमें से 2 तो पोलैंड एयरपोर्ट पर अभी एम्बेसी में हैं, जो हमारी इंडियन एम्बेसी है उसमें लोग आ चुके हैं, और 2 लोग ये सोमी यूक्रेन से ये पोल्टावा पहुंच चुके हैं, उनको भी सुरक्षित लाने की व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश से कुल 2290 छात्र वहां पे रहते हैं, जिनमें से 2078 वापस आ चुके हैं। शेष जो बचे हैं उनको भी लाने की पूरी व्यवस्था पूरे उसमें की जा रही है और
देखिए ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया इसका, ऑपरेशन गंगा के इस अभियान के लिए हम सभी सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने युद्धग्रस्त क्षेत्र में, आप में से जो हमारे छात्र वहां पे रहे होंगे आप लोगों ने देखा होगा, ये सुविधा केवल भारतीय नागरिकों को और भारतीय छात्रों को ही प्राप्त हो पाया, किसी और को नहीं। आपने देखा होगा आप लोगों के साथ में वहां पे बहुत सारे अन्य लोग बच्चे पढ़ते होंगे अन्य देशों के भी, खासतौर पर अफ्रीकन कंट्रीज से जुड़े हुए बच्चे वहां पे ज्यादातर होंगे। कोई सरकार वहां का संज्ञान नहीं ली है, किसी ने भी नहीं लिया, बेचारे अपने तरीके से जो निकल जा रहा है निकल जा रहा है, बाकी सब भगवान भरोसे है। लेकिन यहां पे जैसे ही रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, युद्ध शुरू हुआ, इसके साथ ही अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस भारत लेके आना है, यह एक बैठक प्रधानमंत्री मोदी जी ने की और उसके बाद फिर कार्रवाई शुरू हुई। भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी अपने यहां नोडल अधिकारियों की तैनाती करके सभी लोगों से जानकारी भी जुटी।